हेलो फ्रेंड्स, यानिक से रतु चैनल। और आज भी हम आज है दिवाली का दूसरा दिन और बाहर हो रही है रात। पूजा वूजा हमने कर ली है, दिए जोत कर लिए हैं। तो अब हम मैं और मेरी फैमिली हम लोग सब जा रहे हैं साईं मंदिर घूमने के लिए, साईं मंदिर दर्शन करने के लिए। ऐसी मूड बना कि चलो आज साईं मंदिर के दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो निक्स हमारे साथ नहीं जा रहा है, इसलिए हम उसे बाय कर रहे हैं। कार रेडी हो गई है, चले ना। इतना प्यारा लगता है दिवाली पे लाइट्स लाइट्स। वैसे हम कितने टाइम बाद जा रहे हैं ना साईं मंदिर, बहुत लंबा टाइम हो गया गए नहीं है। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए, ये है साईं मंदिर। आ जाओ, रुको 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 रुको, वो है बेटा, ये है साईं मंदिर। देहरादून के मसूरी रोड पर है ना नमीशे, हम जाते हैं ऊपर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। कुछ मान्यता है इसकी या कितना पुराना है ऐसा कुछ? जय श्री गणेश जी की। यह मेन डोर साईं बाबा का। जय हो साईं बाबा। क्या हो गया? कोई नहीं, अभी घर चलते हैं। ठीक है, मत्था टेको, सिद्ध मत्था टेको। यस, ये साईं बाबा की चरण पादुका है। लड्डू मत करो, आ जाओ। ये है हरि सीताराम दीक्षित काका साहेब। जय हो साईं बाबा की। देखिए कितने प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं यहाँ पे, देखिए कितना प्यारा चित्र है। इसी साईं बाबा का कितना प्यारा चित्र बना हुआ है। ये नीम का पेड़ आर्टिफिशियल है ना, है ना मिश? नीम का पेड़ ओरिजिनल है क्या आर्टिफिशियल है? ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, रियल है, लग नहीं रहा ना इसकी वो देख के। अच्छा, प्रसाद ले लो, लड्डू प्रसाद ले लो, चलो प्रसाद लेंगे। प्रसाद ले लो। अच्छे से बताओ, व्हाट इज योर नेम? बताओ। आतिश्य जायसवाल, आतिश्य जायसवाल, माला पहना दो, पहन। आज बता, उसे नहीं छेड़ो। ये है साईं बाबा जहाँ आराम कर रहे हैं, देखिए बाबा स्वयं बाबा जी की सेन से यह बना रखी है। जय हो साईनाथ महाराज की।
सॉरी। साईं बाबा की पालकी होगी, लड्डू क्या हुआ? हाँ ना, पहले नहीं थी, अभी आई है। बाबा पंडित जी ने आओ लड्डू, आओ बेटा, चलो अब हम निकल रहे हैं बाहर। श्री कृष्ण जी का रथ चांदी का है, कितना प्यारा लग रहा। यहाँ पे साईं बाबा की जो जलती है धूनी जो होती है, ये उसके लिए गट्ठा लकड़ियाँ का पूरा वो बना रखा है स्टोर। भैया जय माँ तुलसी। यहाँ पर जो है भंडारा होता है साईं बाबा का, कल भी पंडित जी बोल रहे हैं कल भी भंडारा है, पक्की पालकी निकलेगी और भंडारा होगा। ये है माता रानी का मंदिर, ऊपर तो मेन साईं बाबा का था, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, शादी होती है क्या यहाँ पे? जो मैंने आपको लकड़ियों का स्टोर दिखाया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर साईं बाबा की जो है धूनी बनती है, देखिए यहाँ पर ये आग है जलती रहती है इस तरह से। जय साईं बाबा। ये भी साईं बाबा का मंदिर है, जय हो। यहाँ पे देखिए गणेश जी लक्ष्मी जी, जय हो विघ्नहर्ता जय माँ लक्ष्मी। ये साईं बाबा क्या बोलते हैं, नमी से क्या बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं, चरखा क्या बोलते हैं इसे? चरखा नहीं, पटना बोलते हैं तो वो पिस्ते था ना, पिस्ते वाला। हाँ साईं बाबा का है ना ये, मुझे तो याद भी नहीं इसे बोलते क्या है, वो चक्की चक्की ना गेहूं जो पीसते हैं। मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट में जरूर बताना वो क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या एग्जैक्टली। जय श्री राम, जय सीता मैया की, जय भोले भंडारी, जय हो शिव, शिव जी शिव शंभू। नमी जी क्या शादी होती है तो यहाँ पे क्या होता है? ना आइडिया मुझे भी नहीं है, ऐसा लग रहा है शादी का मंडप जैसा। रुद्राक्ष का पेड़ तो है लेकिन रुद्राक्ष का पेड़ सूखा हुआ है पूरा। ये यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी कलाकारी कर रखी है, कितना अच्छे से बना रखा है ये देखिए, वाओ अमेजिंग। बस फ्रेंड्स यही था, ये है साईं बाबा का मंदिर। अब हम लोग जा रहे हैं घर दर्शन करके मंदिर के, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक का चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वो क्या था, उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। आ जाओ बेटा आ जाओ, कम पिकॉक, पिकॉक है पिकॉक, हाँ जी पिकॉक आ जाओ, चलो बाय करो फ्रेंड्स को।